हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर में कस्टम पाइप्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाइप्स के बारे में समझा था और उनको यूज करके देखा था, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंगुलर में कस्टम पाइप्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। अब दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पाइप्स का काम आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करना होता है, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पे हम जैसे पाइप यूज करते हैं अपर केस। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपर केस में। तो पाइप का यही काम होता है कि हमारे आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करना। अब बात करते हैं हम कस्टम पाइप्स की। अब कस्टम पाइप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, कस्टम पाइप्स को हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर पाएं। तो दोस्तों, पहले हम बनाते हैं कस्टम पाइप, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऐप में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ऐप पाइप्स नाम से। उसके बाद हमारी ऐप में जितने भी पाइप्स हैं हम उस फोल्डर में रख सकते हैं। अब दोस्तों, इस फोल्डर के अंदर हम अपना कस्टम पाइप बनाते हैं और हम अपने कस्टम पाइप का नाम रख लेते हैं यूएक्स पाइप। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे लिखना है यूएक्स। मैं यूएक्स नाम दे रहा हूँ, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ux.pipes.ts। अब दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्लास यूएक्स पाइप। और दोस्तों, इस क्लास में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक इंटरफेस जो कि है पाइप ट्रांसफॉर्म। तो हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा एंगुलर कोर से। अब दोस्तों, हमने जो कस्टम पाइप बनाया है इसको एज ए पाइप यूज करने के लिए हमें इसको डेकोरेट करना पड़ेगा पाइप से। तो हमें यहाँ लिखना है @pipe और यहाँ पे हमें देना है नेम। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ यूएक्स या फिर यूएक्स पाइप। तो दोस्तों, अब ये जो यूएक्स पाइप ये जो नेम है, पाइप नेम, ये हम यूज करेंगे जहां भी हम पाइप को यूज करते हैं। जैसे हम अपर केस का पाइप यूज करते हैं वहां पे उसकी जगह हम ये यूएक्स पाइप लिखेंगे। और दोस्तों, अभी हमारा पाइप पूरी तरह से बना नहीं है, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज रह गई है और वो क्या है, ट्रांसफॉर्म मेथड। तो हमें यहाँ लिखना है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पाइप जो है वो काम आता है हमारे आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्म के मेथड में हमें कुछ आर्ग्यूमेंट यूज करने पड़ेंगे, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि पाइप का काम क्या होता है कि ये हमारी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके हमें न्यू वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसका टाइप हम एनी दे देते हैं क्योंकि हमारा टाइप कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद हमें रिटर्न करनी है अपनी न्यू वैल्यू, या इस रिटर्न को हम बाद में देखते हैं, पहले हम कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि इस वैल्यू में आ क्या रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू। तो दोस्तों, ये पाइप हमने अभी कहाँ यूज किया है, ये हमने यहाँ पे इस वैल्यू पे यूज किया है, और ये वैल्यू प्रॉपर्टी हमने यहाँ बनाई हुई है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है दिस इज टेस्ट वैल्यू। अब हम चल के चेक करते हैं कि कंसोल लॉग में क्या आ रहा है वैल्यू। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा था कंसोल लॉग में दिस इज टेस्ट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को कंसोल कराया था। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को छोड़ लिख देते हैं या आगे से लिख देते हैं यूएक्स ट्रेंड, जैसे हम लिख देते हैं, अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है जो हमने अभी नहीं दी है। अब हम वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने इस पाइप से क्या कर सकते हैं, हमने ये पाइप जहाँ पे वैल्यू में यूज किया है, हम अपने डाटा को किस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि हमें अपनी वैल्यू के आगे एक स्ट्रिंग चाहिए, कि जैसे मुझे चाहिए कि ये जो भी वैल्यू आए उसके बाद यूएक्स ट्रेंड भी लिखा हुआ है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं रिटर्न। ये रिटर्न इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी हमें इस वैल्यू को रिटर्न कराना है अपनी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू में। तो हमें क्या लिखना है, रिटर्न वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू के बाद यूएक्स ट्रेंड भी लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं एक लिख देता हूँ प्लस यूएक्स ट्रेंड। तो दोस्तों, अब चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा दिस इज टेस्ट वैल्यू, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है यूएक्स ट्रेंड। अब दोस्तों, इसके बाद हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें ये जो दिस इज टेस्ट वैल्यू, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, इसे हमें छोटा करके दिखाना है, मान लो हमें इतना ही दिखाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं पाइप के थ्रू, तो वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है सबस्ट्रिंग, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रिंग की वैल्यू को छोटा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो यूज करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, रिटर्न वैल्यू डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग के लिए सब एसटीआर लिखना है, और यहाँ पे हमें लिखना है
जीरो से स्टार्ट हो और ये 7 करेक्टर तक दिखाए। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 7 करेक्टर के बाद अब कोई और टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब हम इसको बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें 10 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए कि जब ये टेक्स्ट ऐसे कटा हुआ आए तो उसके बाद 3 डॉट जैसे आते हैं वो भी आए, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्लस और उसके बाद यहाँ पे हमें इससे पहले एक स्पेस दे देते हैं और 3 डॉट लगा देते हैं। अब चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जब छोटा हो गया तो उसके आगे 3 डॉट भी लगे हुए आ गए, ताकि जिससे यूजर्स समझ जाएं कि ये एक्चुअल टेक्स्ट बड़ा है, वर्ड्स को श्रिंक करके छोटा करके दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक तरीका था कस्टम पाइप के थ्रू अपनी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने का। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई टाइप से कस्टम पाइप्स को बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, और उस एरे में कुछ रैंडम नेम्स रख देता हूँ। तो हम नेम के लिए एरे बनाते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं नेम ARR। अब दोस्तों मैंने कुछ रैंडम नेम्स नेट से कॉपी कर रखे हैं, मैं उनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी HTML फाइल में और वहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट में इस एरे के सभी आइटम को शो करा देते हैं। तो हम यहाँ बनाते हैं एक UL, उसके अंदर हम लेते हैं LI। अब दोस्तों LI में हम यूज करेंगे NG4 डायरेक्टिव, ताकि हम इस एरे के सभी आइटम को वहाँ शो कर सकें। तो NG4 को यूज करने का तरीका क्या है, हमें लिखना है स्टार NG4 और उसके बाद हमें लिखना है लेट। अब मैं यहाँ नेम लिख लेता हूँ, नेम ऑफ, इस नेम एरे को कॉपी कर लेते हैं नेम एरे, और यहाँ पे हम नेम को इंटरपोलेशन के थ्रू दिखा देते हैं। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सारे नेम यहाँ पे इस टाइप से शो हो रहे हैं। अब हम इनमें यूज करते हैं अपना कस्टम पाइप। तो यहाँ पे हम कस्टम पाइप का यूज कैसे करेंगे, स्पेस देके पाइप का सिंबल लगाना है और उसके बाद लिखना है UX पाइप। अब हम सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हम कस्टम पाइप की हेल्प से अपने सभी लिस्ट आइटम के आउटपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने एरे में और ये जो एक दो नाम है उनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पहले नाम में से मैं लास्ट नेम हटा देता हूँ और दूसरे में से भी हटा देता हूँ। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पाइप यहाँ पे सभी आइटम पे अप्लाई हो रहा है, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करेक्टर की एक लिमिट सेट करनी है कि उतने करेक्टर के बाद ही पाइप अप्लाई हो। जैसे आप मान लीजिए कि ये 8 करेक्टर का वर्ड है, अब ये यहाँ पे पूरा शो हो रहा है, फिर भी यहाँ पे पाइप अप्लाई हो रहा है और ये 3 डॉट शो हो रहे हैं, पर जब ये पूरा वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है तो ये 3 डॉट यहाँ पे शो नहीं होने चाहिए और ये पाइप यहाँ पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइप में इफ और एल्स कंडीशन को यूज करना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई वर्ड 8 करेक्टर तक है तो वहाँ पे पाइप अप्लाई ना हो, और अगर कोई वर्ड 8 करेक्टर से बड़ा है तभी वहाँ पाइप अप्लाई हो। तो दोस्तों इसे करने के लिए हमें अपने पाइप का जो मेथड है उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ और एल्स कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 8 तो ये कंडीशन अप्लाई हो, और इसके एल्स में हम लिख लेते हैं रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू की लेंथ 8 करेक्टर से ज्यादा है तभी ये मेथड अप्लाई होगा, वरना वो सेम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट दो जो आइटम हैं उनमें हमारा पाइप अप्लाई नहीं हुआ, और वो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पहले दो वर्ड हैं वो 8 करेक्टर से छोटे हैं, और जो 8 करेक्टर से बड़े हैं वहाँ पे ये पाइप अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद ये कैसा रहे कि हम अपने कस्टम पाइप्स को भी पैरामीटराइज्ड कर सके, मतलब अपने पाइप का पैरामीटर सेट कर सके कि जो ये लिमिट हम अपने पाइप के मेथड में स्टैटिक दे रहे हैं 8, वो हम स्टैटिक ना दे के पाइप के पैरामीटर में सेट कर सके। और दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं, इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म मेथड में एक और आर्गुमेंट यूज करना है, और वो आर्गुमेंट क्या है, लिमिट। अब हम यहाँ पे उसकी लिमिट सेट करना चाहते हैं, और इसका टाइप होगा नंबर, क्योंकि लिमिट में हम नंबर को ही डालेंगे। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, लिमिट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे 8 की जगह लिमिट को पेस्ट कर देना है। तो अब हम सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे वो पाइप अप्लाई नहीं हुआ किसी भी लिस्ट आइटम में, क्यों, क्योंकि हमने उस पाइप का मेथड एडजस्ट कर लिया है पैरामीटर के साथ, और वो पाइप का पैरामीटर हमने अभी तक अपने पाइप में यूज नहीं किया। तो हम चल के उसको यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम चलते हैं अपनी HTML फाइल में जहाँ पे हमने पाइप को यूज कर रखा है। अब जैसे हमने यहाँ पे दो जगह पाइप को यूज कर रखा है, एक तो कर रखा है H4 में और दूसरा नेम की लिस्ट में। अब पहले हम H4 वाले पाइप में पैरामीटर को यूज करते हैं, और उसका तरीका क्या है, हमें देना है कोलन और सेट करना है पैरामीटर। मैं 10 सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे हम लिस्ट आइटम को शो कर रहे हैं यहाँ मैं पैरामीटर 8 सेट कर लेता हूँ। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे H4 में जो पाइप यूज किया हुआ है
उसकी लिमिट है 10 करेक्टर और लिस्ट आइटम वाले पाइप में लिमिट है 8 करेक्टर। तो 8 करेक्टर तक ये पाइप अप्लाई नहीं हो रहा और उससे ज्यादा पे पाइप अप्लाई हो रहा है। अब हम अपने हर एक पाइप की अलग अलग लिमिट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट है कस्टम पाइप के साथ पैरामीटर को यूज करने का। अब दोस्तों इस H4 वाले पाइप के पैरामीटर में हम 12 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 14 कर देते हैं, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा हमारी लिमिट कम और ज्यादा करने का। इसका क्या रीजन है हम चल के कोड में चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका रीजन मिल गया है और वो ये है कि हमने जो यहाँ पे सबस्ट्रिंग के मेथड को यूज किया है, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट में तो लिमिट डाल दी है पर सबस्ट्रिंग के मेथड में हमने स्टैटिक 10 ही यूज कर रखा है। एक्चुअली ये चेंज करना रह गया था, अब हमें यहाँ भी वो लिमिट का आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट करना है। तो दोस्तों अब हमारा ये पूरा पाइप का मेथड डायनेमिक हो गया है, जो भी पैरामीटर में लिमिट सेट करेंगे वो पाइप में ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगी। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये ठीक वर्क कर रहा है, H4 वाले पाइप में 14 करेक्टर हैं और लिस्ट वाले पाइप में 8, H4 वाले में मैं 10 कर देता हूँ तो अब ये TE तक शो हो रहा है। अब मैं इसको और कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, अब यहाँ पे 5 करेक्टर तक पाइप अप्लाई हो रहा है और लिस्ट आइटम में 8 ही है, इसको मैं 12 कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा अब ये 12 करेक्टर तक अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों हम इस टाइप से कस्टम पाइप को क्रिएट कर सकते हैं और पैरामीटराइज्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एंगुलर में कैसे फिल्टर पाइप को क्रिएट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।